राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस ने जिला मुख्यालय स्थित उपायुक्त कार्यालय परिसर में सत्याग्रह किया, जिसमें विशेष रूप से पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने शिरकत की। इसके अलावा जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजना धीमान, पूर्व विधायक बम्बा ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस महासचिव विवेक कुमार सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि केंद्र में स्थित भाजपा सरकार की तानाशाही लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री सहित लोग आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर डरे हुए हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि देश प्रदेश की जनता केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यप्रणाली से भलीभांति अवगत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भाजपा नेताओं के इशारे पर पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता ये नहीं समझे कि कांग्रेस का है यह आंदोलन सत्याग्रह तक ही सिमटा हुआ है, बल्कि आगामी दिनों में यह आंदोलन सड़कों पर भी दिखेगा। हो रहा है आज इन सब ने अगर आप देखा जाए तो शुरू से लेके गालियां निकालने के अलावा इन्होंने और कोई काम नहीं किया है। पार्लियामेंट के रिकॉर्ड उठा लीजिए हिंदुस्तान में, क्योंकि उसमें जो है वो इस प्रकार का हमारा जो तंत्र है वो नहीं होता था। लेकिन फिर भी अखबारों में देख लीजिए आप, पुराना इतिहास उठा लीजिए, इन्होंने महात्मा गांधी से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके जितने भी हमारे राष्ट्रभक्त नेता हुए हैं उनके ऊपर प्रहार किया है। भारतवर्ष के संविधान को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि उन्होंने ये खुद ही फंस गए। खुद कैसे फंस गए? कानूनी तौर पे अगर देखा जाए, मान लो ये जो है वो मानहानि का मुकदमा था, 2019 में चला और 2023 में जो है वो उसका फैसला हुआ। उसमें क्या क्या कानूनी अड़चने आई, किस प्रकार से जो कंप्लेंट करने वाला था उसने भी रिक्वेस्ट करी कि मैं अपने केस को वापस लेना चाह रहा हूँ। लेकिन सब कुछ रिवाइव करने के बाद आज हुआ ये है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा केस जो है वो सामने आया और 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हमारे नेता के खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र जो है वो हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब ट्रायल कोर्ट ने सजा दे दी, कैसे सजा दी, मैं कोई जुडिशरी के ऊपर जो है वो कोई इस प्रकार का जो है कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा। भारतवर्ष की जुडिशरी है, प्रजातंत्र में एक महत्वपूर्ण अंग है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी ट्रायल कोर्ट में, और कानून के मुताबिक जो है एक महीने का जो है वो समय है कि उसका अपील हो सकती है। अब ये बात बता दें कि 23 तारीख को फैसला होता है और 24 तारीख को पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के जो स्पीकर है उन्होंने जो है वो राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म कर दिया। आप मेरे को बताएं कि जल्दबाजी क्यों है? जल्दबाजी है कि जो राहुल गांधी जी ने मसले उठाए हैं, जो भारतवर्ष को लूटने वाले लोगों का इशू उठाए हैं, उनको दबाने के लिए और आवाज़ को दबाने के लिए, ताकि कांग्रेस पार्टी या पूरे भारतवर्ष में जितने भी विपक्षी लोग हैं, जितनी भी हमारी चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबने इकट्ठे होके मुखर होके कहा है कि ये संविधान के जो है वो उसके मुताबिक नहीं है और यहाँ पे प्रजातंत्र को ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि इन परिस्थितियों में जब हिंदुस्तान में इस प्रकार का वातावरण पैदा हो रहा है, आज प्रश्न कोई केवल मात्र कोई राहुल गांधी के लिए नहीं हम बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे हिंदुस्तान में इस कार्यक्रम को दिया है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम नहीं दिया है, लेकिन हर कोने से राहुल गांधी के खिलाफ जो एक्शन हुआ है उसके खिलाफ लोगों ने स्वयमेव जो है वो आवाज़ उठाने का फैसला किया है। राहुल गांधी जी ने जब वहाँ पे कन्याकुमारी से और कश्मीर तक एक जो भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू करी थी, उससे ऐसा लगता है कि जो लोगों का रुझान था और जो मसले राहुल गांधी जी ने उठाए थे भारतवर्ष को जोड़ने के लिए, और जो मसले थे कि बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ी है, और आज भारतवर्ष में धर्मांधता के नाम से लोगों को ठगा जा रहा है, ये इशू जो थे वो राहुल गांधी जी ने उठाए थे। और अदानी साहब ने जो लूटपाट मचाई है उसके ऊपर भी
उन्होंने भारतवर्ष के लोगों का और मैं कहूँगा पूरी दुनिया में ये संदेश गया कि किस प्रकार से भारतवर्ष को, हमारे स्टेट बैंक को भी, हमारी जो LIC है या हमारे कर्मचारियों की निधि है उसको लूटा जा रहा है, उसके बारे में पूरी दुनिया का ध्यान जो है आकृष्ट हुआ था। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भारतवर्ष में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं कि जो तड़ी पार वाले नेता थे उनके हाथ में सत्ता आ गई है। आज वो लोग जिन्होंने धर्म के नाम पे दंगे फसाद करवाए हैं और आज तक हो रहे हैं, आज संविधान को ख़त्म करने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, सत्ता उनके हाथ में आई है और आज इस प्रकार का जो आज वातावरण पूरे हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है उससे मैं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर नौजवानों को, महिलाओं को, गरीबों को, छोटे व्यापारियों को, सबके बारे में उन्होंने कहा कि आज अन्याय हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। वो शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और केंद्र सरकार में बैठे हुए नेताओं को अच्छा नहीं लगा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार जब दुर्बुद्धि आती है तो उल्टा काम होता है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज आप इतिहास उठा लीजिए, इनका जन्म हुआ पुराना जनसंघ हिंदुस्तान में होता था, जनसंघ से लेके इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया भर की है, RSS के माध्यम से काम हो रहा है, आज इन सब ने अगर आप देखा जाए तो शुरू से लेके